आई एम सो प्राउड ऑफ यू बदर मुनीर तुमने वो कर दिखाया है जो सारे शहर की पुलिस नहीं कर सकी थैंक यू सर सर लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं बहरोज करीम को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सकी सर बहरोज करीम जैसे बड़े माफिया डॉन को गिरफ्तार करना चाहे जिंदा हो या मुर्दा इट से जहांगीर साहब जी सर मैं आपसे कहता था ना बदर मुनीर विल मेक ए प्राउड डे दिस इज द डेट यस सर योर राइट वो बहरोज करी महीने से पहले तो डॉक्यूमेंट्स दिए थे क्या बना उनका जी सर उनमें कुछ जरूरी अथॉरिटी लेटर्स है और उसकी बसियत है मेरे ख्याल में आने वाले वक्त का पहले से अंदाजा लगाकर उसने ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया था क्या लिखा था उसकी वसीियत सर uh, उसने अपनी तमाम प्रॉपर्टी जायदाद अपना रुपया पैसा और अपनी कंपनी के शेयर्स जो हैं वो अपने वफादार साथियों में तकसीम कर दिए हैं और जायदाद का एक हिस्सा उसकी दीगर बीवियों के नाम भी लिखा हुआ है really? I see. और उसके अलावा कोई खास बात सर उसने मरने से पहले जो अपना आखिरी खत लिखा था उसमें अपने तमाम जरा जो है वो कबूल किए हैं और उनकी जिम्मेदारी अपने सर ली है और अपने साथियों को बरी करार दिया है ये कहते हुए कि उसकी कंपनी में काम करने वाले महज नौकर थे और उसका हर काम उसकी अपनी मर्जी से होता था सर बेरोज करीम का ग्रोह तकरीबन बिखर चुका है उसके वफादार या तो गिरफ्तार होकर जेल में हैं या फिर बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं वो दोस्त के बड़े खास बंदे होते थे एक तो शायद फिरोज नाम था दूसरा सर परिजात क्या बना उनका सर परिजाद तो जल्द या देर अदालत से छूट जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई बड़ा जुर्म साबित नहीं हुआ लेकिन फिरोज बेरोज करीम के साथ हर जुर्म में बराबर का शरीक था मुझे उम्मीद है कि अदालत उसे फांसी से कम सजा नहीं देगी हमें एक बात का बहुत ख्याल करना होगा ये परिजाद या उसके ग्रुप का बंदा जेल से बाहर आने के बाद दोबारा इस ग्रुप को मुनजम करने में कामयाब नहीं होना चाहिए यस सर है ना राइट सर सर जी चाय बनती है आप पर सर डिनर करवाऊंगा <laughs>